दही बल्ले बनाए तो हैं पर उतने सॉफ्ट नहीं हैं जितने मार्केट में बनते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपका ये इंतज़ार भी ख़त्म है। तो आज की जो रेसिपी वो है दही बल्ले, सुपर सॉफ्ट, सुपर जूसी, सीक्रेट ट्रिक्स के साथ। तो लीजिए आइए आज चलते हैं दही बल्ले बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने दो दाल ले ली है, ये मैंने मूंग धुआ लिया है, यहाँ पर उड़द की दाल ली है। दोनों को मैं सेम मात्रा में यहाँ पर लेऊँगी रेशियो के अंदर। ये देखिए दोनों दालों को एक साथ मिलाकर हम पानी में भिगोकर इसको रख देंगे लगभग 2 घंटे। खाली उड़द दाल के भी हम दही बल्ले बनाते हैं, पर इन दो दालों को मिला के जब आप दही बल्ले बनाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो बहुत ही सुपर आता है। ये देखिए 2 घंटे होने के बाद मैंने इनको अच्छे से स्ट्रेनर में झाड़ लिया है। अब हम इसको चलते हैं ब्लेंड करने की तरफ। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी हमारे साथ रखेंगे जो हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते रहेंगे। ये देखिए अब हम चलते हैं इनको अच्छे से ब्लेंड करने की तरफ। ध्यान रखना है हमें इसको एकदम स्मूथ और क्रीमी पेस्ट जितना ब्लेंड करना है। रेसिपी को देखकर अगर आप दही बल्ले बनाएंगे तो आपको दही बल्ले बनाना इतना टिपिकल टास्क नहीं लगेगा और जल्दी से ही आपके दही बल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए हम इसको चेक करते हैं, थोड़ा हमारा ये जो दाल थी वो थोड़ी टाइट हो गई। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें दाल को अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए इस तरीके से क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर हमें चाहिए, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए, एकदम क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। इसी तरीके से हम सारी दाल को हम पीस लेंगे और किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ध्यान रखना दाल एकदम भी पतली नहीं होनी चाहिए और एकदम भी टाइट नहीं होनी चाहिए, एकदम क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए इस दाल का। उसके बाद सबसे मेन प्रोसेस होता है इसको बीट करना। ये देखिए आप बीटर की मदद से आप इसको बीट कीजिए या फिर हाथों से इसको बीट कर सकते हैं। बीटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे जो दही बड़े हैं एकदम फ्लफ़ी बनेंगे, उसमें एयर फिल होगी तो वो बहुत ही बबल्स के साथ एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे। ये देखिए लगभग 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से हमें बीट करना है एक ही डायरेक्शन के अंदर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लगभग 2 से 3 टेबल स्पून तेल। तेल इसमें ऐड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारे जो दही बल्ले हैं उसमें एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा। और थोड़ा सा नमक इसमें हम ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा सॉल्टी टेस्ट आए। ये देखिए इसको अच्छे से हमें चलाते रहना है जब तक ये अपनी क्वांटिटी से दुगनी ना हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने काजू की टुकड़ी ली है, किशमिश और चिरौंजी। इनको मैंने लगभग आधा घंटा पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया इस मिक्सचर को। ये देखिए इस तरीके से सारे मिक्सचर को हम मिला लेंगे और हमारे दही भल्ले एकदम ड्राई फ्रूट्स के साथ लोडेड और एकदम क्रीमी सॉफ्ट बनने के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। भल्ले बनाते हुए अक्सर हमारे हाथ गंदे हो जाया करते हैं, तो हम इस तरह का चम्मच लेंगे थोड़ा तीखा और थोड़ा सा पानी ले लेंगे। ये देखिए और हम लेंगे जो तेल लिया है वो एकदम तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आँच पर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी में डिप कर कर इस तरीके से शेप में हम दही भल्लों को लेंगे और तेल में उसको छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इससे हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और दही बल्ले की जो शेप है वो भी प्रॉपर बनकर आएगी। और जो तेल की हमें आंच रखनी है वो एकदम स्लो रखनी है, बिल्कुल भी तेज नहीं रखनी है, वरना दही बल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ लेते हुए और दही बल्लों को इस चम्मच की मदद से हम इस तरीके से डालते रहेंगे। इस तरीके से दही बल्ले बनाएंगे तो कोई भी ओकेजन हो घर में या कोई भी गेस्ट आना हो तो आप फटाफट दही बल्ले बना पाएंगे और सभी को बहुत बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि इतने सॉफ्ट बनेंगे कि उनके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये देखिए दूसरे चम्मच की मदद से हम एक एक दही बल्ले को पलटते रहेंगे और पूरे दोनों तरफ से इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। ध्यान रखना है जो तेल की जो आँच है उसको हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है पर आपके दही बल्ले बनकर एकदम तैयार होंगे। ये देखिए दही बल्ले हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरे दही बल्ले भी डाल देंगे और थोड़ा सा गोल्डन कलर होते ही हमें दही बल्लों को बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से आप दही बल्ले बनाएं, इन्जॉय करें। और आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बार कोई भी ओकेजन हो या घर में कोई गेस्ट आना हो तो इसी तरीके से दही बल्ले बनाएं और उनको खिलाएं। आई नो उनको ज़रूर ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन विद अ थम्स अप ये दैट यू लाइक माई रेसिपी। और ये देखिए कितनी प्रॉपर और अच्छी शेप है, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें आपको अच्छे से दिख रहे हैं, गोल्डन ब्राउन हो। आप दही बल्लों को निकाल लीजिए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर सॉफ्ट और अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये देखिए एकदम सुपर डिलीशियस सॉफ्ट दही बल्ले बनकर तैयार हैं। जब आपको खाना हो इसको तेज़ गर्म पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगो दें, उसके बाद अच्छे से सारा पानी स्क्वीज कर दही और डालकर इसको सर्व कीजिए। एंडिंग का वीडियो मैं बना नहीं पाई हूँ तो मैं आपको आज यहीं तक बताऊँगी।
आपको जब खाना हो तब गर्म पानी में इसको 10 से 15 मिनट भिगोएं और थोड़ा दही के साथ, थोड़े मिर्च मसालों के साथ और अनारदाने और धनिया के साथ इंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।